से हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर। कुछ पब्लिक को आग लगानी है जी, ये आग लगाने का मौका है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो 1984 में आग लगाया था, 1984 में जिस सिखों के साथ नरसंहार किया था, किस तरह से सिखों को दौड़ा दौड़ाकर कार में बैठ बैठकर इशारा कर करके सिखों को कटवा रहे थे, उसका आग अभी तक शांत नहीं हुआ था कि एक और आग लगाने की बात कहा जा रहा है। कमलनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ साफ बोला जा रहा है कि ये अभी तो आग लगाने का मौका है, आग लगाओ, ज़्यादा ज़्यादा सरकार को बदनाम करो, यहाँ तक वीडियो कॉल में बोल रहे हैं। और सोचिए, ये इसी मध्य प्रदेश के विपक्षी नेता का मुख्य अध्यक्ष है। से हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर। कुछ पब्लिक को आग लगानी है जी, कहा था ये आग लगाने का मौका है। और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर, काम में आग लगाओ, ये सरकार ऐसा कर लिया, बराबर कर लिया, ये सब पूरा जो खरीदी खड़ी है, मैंने ये बात कही पर रिपीट कर रहा हूँ कि खरीदी जो खड़ी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से खड़ी है। तो वीडियो में आप लोगों ने साफ साफ सुन लिया कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री रह चुके, एक मंत्री रह चुके केंद्र की सरकार में, वो ये साफ बोल रहा है कि तुम लोगों का काम है आग लगाना, आग लगाओ, जितना ज्यादा हो सके सरकार को बदनाम करो। ये वही कांग्रेस है जो अब आजादी के बाद से कांग्रेस और इनके जैसे चमचों ने देश को बंटवारा किया और आग लगाया। का नतीजा है कि आज भी देश झुलस रहा है उन्हीं लोगों के आग में, अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है। 1947 के जो दंगे हुए थे, अभी हाल ही में बंगाल में देख ली किस तरह से नरसंहार हुआ था, और ये किसकी देन है? इसी इन्हीं लोगों की देन है। देश में आग लगाने और लोगों का नरसंहार करवाने के कहने के बाद देखिए किस तरह से भारत को बदनाम करने के, हमारी भारत माता को बदनाम करने के लिए, जिसके बारे में हम लोग एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते, ये कांग्रेस, राहुल गांधी और ये कलंकनाथ किस तरह से भारत देश में जो कोरोना वायरस फैला है उसको इंडियन वेरियंट के नाम से इसको बदनाम किया जा रहा है पूरी दुनिया में। सोचिए, जिस कोरोना वायरस से हमारी देश जूझ रहा है उसी भारत देश को बदनाम करने के लिए किस तरह से ये लोग वीडियो बनाकर हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं, देखिए वीडियो में। हम कहते थे चीन, चाइनीज कोरोना, आपको याद है जब शुरू हुआ था जनवरी 20 को, ये कहते थे कि ये कोरोना चीन का है, चीन की लेबोरेटरी में बना, ये शहर से आया, उस शहर से आया। हम आज कहां पहुंचे हैं, आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया है, भारतीय कोरोना। आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इंडियन कोरोना से हम डर रहे हैं, सब फ्लाइटें कैंसिल कर दो। आज जो स्टूडेंट्स और जो नौकरी कर रहे थे उनकी एंट्री बैन कर दी है कि ये इंडियन कोरोना ले आएंगे। ये आज अपनी देश की पहचान बन गई है। मेरा भारत महान तो छोड़िए, ये मेरा भारत कोविड का बन गया है। और इसमें दबा देने से, छिपा देने से आज हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे। जो कांग्रेस आजादी के पहले और आजादी के बाद भी देश में दंगे करवाए, हजारों लोगों को नरसंहार करवाया, वो आज भी वही काम कर रहे हैं, आज भी लोगों को उकसा रहे हैं दंगे करवाने के लिए, आग लगाने के लिए, और तो और भारत देश के बंटवारा करने के लिए देश में अलग अलग ऐसे बहुत सारे शांति दूतों का जिला बनाकर रख दिया। चाहे किसानों को न्याय दिलाने के नाम पर हो, चाहे सीए प्रोटेस्ट के नाम पर हो, देश को जलाने और दंगा कराने और लोगों को लड़ाने का काम ये कांग्रेस ही कर रही है, इसके जैसे विपक्षी पार्टी कर रहे हैं। सोचिए, कलंकनाथ इतने बड़े राज्य के विपक्षी नेता का मुख्य अध्यक्ष होने के बाद भी लोगों को लड़ाने और आग लगाने की बात कर रहे हैं, ये कहां तक सही है? और इस कलंकनाथ के इतना कहने के बाद भी अगर इसके ऊपर एफआईआर नहीं होता, अगर इसको अंदर नहीं होता, गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो समझ लेना कि जो केंद्र में, राज्य में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वो भी शामिल है। अगर ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले लोगों को अरेस्ट नहीं करवाते तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इसके बारे में क्या सोचते हो, और वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना।